सभी संवाददाता लगे हुए हैं कुंभ मेले के हर चप्पे चप्पे पर, जो आप तक पहुंचा रहे हैं कुंभ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। कुंभ का महा कवरेज सिर्फ समाचार प्लस पर आप देख रहे हैं। 12 कैमरों के साथ कुंभ की मस्ती लाइव सीधे आप तक, कुंभ के अलग अलग अंदाज हम आप तक पहुंचा रहे हैं हर रोज। तो 24 घंटे हमारे रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं, इलाहाबाद में कुंभ मेले में मौजूद हैं, जो हर खबर, हर तस्वीर, हर रंग, हर अंदाज आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सीधे घर बैठे देख सकते हैं सिर्फ समाचार प्लस पर कुंभ लाइव। इलाहाबाद में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और तमाम लोग यहां पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 12 साल लगने वाले इस कुंभ में अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं, कहीं भक्ति है तो कहीं मस्ती है। वो तमाम तस्वीरें समाचार प्लस आप तक पहुंचा रहा है। चप्पे चप्पे पर समाचार प्लस की नजर बनी हुई है। कुंभ का महा कवरेज आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ समाचार प्लस पर। 12 कैमरों के साथ कुंभ की मस्ती लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ के अलग अलग अंदाज आप तक पहुंच रहे हैं। आप महाकुंभ का घर बैठे आनंद उठा रहे हैं सिर्फ समाचार प्लस के जरिए, क्योंकि समाचार प्लस पर जारी है कुंभ का महा कवरेज। 12 कैमरों के साथ आप देख सकते हैं कुंभ की मस्ती लाइव। इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है कुंभ में, वो सीधे हम आप तक पहुंचाएं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे अलग अलग कैमरों की मदद से, किस तरह से महाकुंभ में इस वक्त का नजारा है, इस वक्त की तस्वीर है और क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ आप तक अलग अलग अंदाज में सिर्फ समाचार प्लस के जरिए। तो 12 कैमरों के साथ कुंभ की मस्ती हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। कहीं आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है तो कहीं मस्ती की जा रही है और कहीं अपने ही अलग अंदाज में, अपने ही अलग रंग में सराबोर हैं साधु और संत। तमाम वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं सुरक्षा का जायजा भी आपको दिखा रहे हैं तो कहीं आस्था की इस नगरी में जारी है मस्ती भक्ति और श्रद्धा के साथ। ये तस्वीरें आप तक सिर्फ समाचार प्लस के जरिए। हमारे तमाम संवाददाता वहां पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर बनी हुई है ताकि आप तक कुंभ की हर वो तस्वीर पहुंच सके जो इस वक्त महाकुंभ में देखने को मिल रही है। और अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी है वो भी कुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जब से कुंभ शुरू हुआ है तभी से लगातार हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप तक हर तस्वीर, कुंभ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाई जा सके और चप्पे चप्पे पर समाचार प्लस की नजर बनी हुई है। जी हां, संगम की रेती पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। मां गंगा की पावन धारा में डुबकी लगाकर मोक्ष पा लेना चाहते हैं श्रद्धालु। प्रयाग की धरती का दृश्य भाव विभोर कर देने वाला है। चमकते दमकते संत महंत, जटाजूट धूनी भभूत, मंत्र तंत्र आलोम विलोम, बोल हरिओम। आसमान की बदलियों से झांकता सूरज मुस्कुरा रहा है और मां गंगा की संतानें इतरा रही हैं। यहां विश्वास का कवच है, संस्कारों का कुंडल है, तभी तो हाड़ कपकपाती हवाएं हो या सर्द सुनहरी शाम, खुले आसमान के नीचे जय गंगा मैया जय श्री राम। खुले आसमान के नीचे तंबुओं का शहर, धर्म कर्म और मर्म ने मोहल्ले बांट दिए हैं। जितने चेहरे उतनी चाल, जितने साधु उतने साध्य। पायलट बाबा आसमान में सियासत बाजों का उड़न खटोला उड़ाते थे, ना जाने क्या सूझी कि संत बन गए। बेटा ये जीवन है, आजीवन एक यात्रा है और ये हमें आपको परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है और उसकी कृपा है कि हम सब मनुष्य हैं। मनुष्यों के अंदर में विभिन्न प्रकार के गुण और दिव्यताएं छिपी हुई है। हम उसको मन को चाहे किसी भी डायमेंशन में विकसित कर सकते हैं और जिस क्षण हम अब मन विहीन हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं। पश्चिम को सूरज की किरणें पूरब वालों की ओर खींच लाईं और पायलट बाबा की शरण में हजारों रशियन भक्त आ गए।
What's your good name? Anna. From where you have came and how much you influence from Pirate Baba? How do you know about Pirate Baba? I came from Ukraine, from Kyiv, and repeat the question. What do you know about Kumb? I read a lot about Kumbh Mela. We have books about it in Russian, so I try to come in this. लोग कहते हैं कि 150 साल से जीवन के चक्के को घुमाते आ रहे हैं, 150 सदी बिता दी इसी कलयुग की जमीन पर। बाबा की जय है कि मेरी चौथी पड़ी हो गई, चौथी पड़ी हो गई, सेवा करते अभी पांचवी भी लग जाएगी, कोई वो नहीं, ऐसी सेवा करते रहेंगे अभी तो होते है, अभी कोई वो नहीं है इनका। बाबा की उम्र कितनी होगी? बाबा की उम्र से लगभग 150 से ऊपर ही है, हम यहाँ से देखते आ रहे हैं। पायलट बाबा की गली से थोड़ा आगे बढ़ जाइए, ये कुंभ आधुनिकता भी संजोए हुए है। यकीन नहीं आता तो ये मशीन देख लीजिए आप, एक घंटे में 1800 रोटियां बना सकती है ये, 5 क्विंटल आटे की रोज खपत। यानी इस कुंभ में साधु हैं, सन्यासी हैं, तरह तरह के वासी हैं। कुंभ बुला रहा है, चले आइए, गंगा नहाइए और पुण्य कमाइए। अजीत त्रिपाठी के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इलाहाबाद समाचार प्लस। और चलिए आपको सीधे लिए चलते इलाहाबाद यानी कुंभ की नगरी में, जहां पर हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव बने हुए हैं। सौरभ, इस वक्त जो वहां की तस्वीर है हमारे दर्शकों को बताएं। गायत्री, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हम सनातन धर्म के ऐसे जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पे इनको डंडी महाराज भी बुलाया जाता है, डंडी स्वामी भी बुलाया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये डंडी स्वामी लोग इस समय भजन कीर्तन इसलिए कर रहे हैं कि डंडी स्वामी लोगों ने धमकी दी थी प्रशासन को कि अगर अल्टीमेटम दिया था कि अगर उन लोग की बात नहीं मानी गई तो ये स्वयं जल समाधि ले लेंगे। जल समाधि का मतलब स्वेच्छा मृत्यु, जिस पे रोक लगी हुई है, और इन लोगों ने बोला था कि ये लोग स्वेच्छा मृत्यु लेने जा रहे हैं। इनकी कुछ मांगे थी जो प्रशासन नहीं मांग रहा था, और इन लोगों ने, डंडी स्वामी लोगों ने ये धमकी दी थी प्रशासन को। 1500 साल पुराने ये धर्म है, 1500 साल पुराना ये सनातन धर्म है। मैं आपको बता दूं गायत्री, बिल्कुल इस समय कीर्तन चल रहा है, भजन कीर्तन इस समय चल रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, सनातन धर्म के बारे में जिस तरह से आपने बताया, दंडी स्वामी से जाने की कोशिश कीजिए इस धर्म के बारे में और क्या कुछ है इस धर्म में, क्या कुछ मान्यताएं रही हैं। जी बिल्कुल, मैं इस समय हमारे साथ इस समय मौजूद है स्वयं डंडी स्वामी महाराज, इस समय प्राचीन गंगा के जो महंत भी हैं, विमल देव इनका नाम है, और मैं इनसे खुद ही आपको ये रूबरू कराऊंगा और आज पूछूंगा कि इन लोगों ने स्वेच्छा मृत्यु की, समाधि लेने की क्यों धमकी दी थी। ये महाराज जी हमारे साथ है, ये बताएंगे कि आगे स्वेच्छा मृत्यु की धमकी इन्होंने क्यों दी थी। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने समाधि, जल समाधि नहीं ली, आपने जल समाधि की धमकी क्यों दी थी? मैं मठ मछली बंदर के महंत विमल देव आश्रम जी महाराज जी का शिष्य हूँ और अखिल भारतीय दंडी सन्यासी प्रबंध समिति का एक अंग हूँ। यहाँ कुंभ मेला जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, उसकी अव्यवस्था से खिन्न होकर के हमने जल समाधि की धमकी दी थी। दंडी सन्यासी सनातन धर्म का सिर है और सिर का ही अपमान किया जाएगा तो पूरे शरीर की क्या हालत होगी। यहाँ पर कुंभ मेला अधिकारी ने क्या किया, सबसे पहला भेदभाव किया भूमि वितरण में। जो इसे की है कि दंडी सन्यासियों को, साधु संतों को अच्छी भूमि न देकर के पैसा देने वालों को अच्छी भूमि दी है, मतलब जिन्होंने रिश्वत दिया उनको अच्छी भूमि दी गई है, लेकिन जो वाकई तपस्वी है साधु संत उनको अच्छी भूमि नहीं दी गई। तो देखा आपने कि डंडी स्वामी महाराज लोग कितने खिन्न है, प्रशासन की अव्यवस्था खिन्न थे, इन्होंने स्वेच्छा मृत्यु की जाहिर की थी, इन्होंने धमकी दी थी कि मैं स्वेच्छा मृत्यु करने जा रहा हूँ और इसी गंगा के तट पर जल समाधि ले लूंगा। जी सौरभ, धमकी दी थी लेकिन अब इनका स्टैंड क्या है, अब इनका क्या कुछ कहना है प्रशासन की जो बेरुखी का इन्होंने आरोप लगाया है उसको लेकर?
गायत्री, मैं आपको बताऊं, हमारी महंत जी से बात हुई थी, इनके गुरु भी इस सब पीछे हमारे बैठे हुए हैं, ये जो कि इस भजन कीर्तन को अगुवाई कर रहे हैं। इस बात से ये खुश हैं कि इनका जो शिष्य है वो आज जो है जल समाधि नहीं लिया है। अभी फिलहाल प्रशासन की बातें मान लिए, प्रशासन जी इन्होंने 2-3 शब्द रखी थी कि इनको कछार इलाके में इनको एक रहने की व्यवस्था की गई है, इनको सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराई गई थी, इनको काफी दिक्कतें हो रही थी, खान पान की दिक्कतें हो रही थी। फिलहाल अभी जो है प्रशासन इनको सब कुछ मुहैया करा दिया, सुरक्षा व्यवस्था। अगर अब प्रशासन अगर ऐसी हरकतें करेगा, अगर इनको अब कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा तो ये धमकी नहीं देंगे, सीधे गंगा के तट पर जल समाधि बना लेंगे और जल समाधि ये 1 मिनट की देरी लगाएंगे और जल समाधि बना लेंगे। उसमें ये सारे इनके जो गुरु शिष्य सब लोग हैं इनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, चलिए ये तो इनकी मांगों की बात रही। कुंभ मेले की अगर बात की जाए, दंडी स्वामी हैं, वो कुंभ को किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ उनका सोचना है कुंभ को लेकर? जी बिल्कुल, मैं गुरुजी महाराज जी से बात करना चाहूंगा। ये महाराज जी इनके गुरुजी हैं, वो आपको बताएंगे कि आखिर महाराज जी आप दंडी स्वामी हैं, दंडी स्वामी का क्या महत्व होता है, आपके हाथ में ये दंड है, इसको दंड जो बोलते हैं इसका क्या महत्व है और दंडी स्वामी अन्य नागा बाबा लोग से क्या भिन्न होते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कृपया करके बताएं। देखिए, दंडी स्वामी शंकराचार्य जी के द्वारा और ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 10 नाम संप्रदाय की स्थापना करी, जिसमें सर्वोपरि दंडी स्वामी होते हैं। और दंडी स्वामी जो जन्म से ब्राह्मण है उसी को अधिकार होता है दंड लेने का, और उसी को दंड देने का भी अधिकार, वही दंडी स्वामी माना जाएगा जो ब्राह्मण होता है शरीर से। नागा बाबा लोगों से, नागा बाबा और आपके दंडी स्वामी में क्या विशेषताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं? और दंडी स्वामी जैसे बताए थे 1500 साल पुराने आप लोग का ये धर्म है, तो इसके बारे में थोड़ी विशेषताएं बताएं। और आस्था के कुंभ में ऐसा क्या विशेष आप करना चाहते हैं? देखिए, दंडी स्वामी अपने नित्य क्रिया जो है, नित्य धर्म पूजा पाठ अपना करते हैं, जो उनके गुरु द्वारा बताया गया मार्ग है उसपे जो है उसपे अमल करते हैं। उसमें गंगा स्नान करना, पूजा पाठ करना, दंड तर्पण करना, भिक्षा करना, ये दंडी स्वामी यति लोग, दंडी स्वामी सबसे बड़े ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण के सिवाय ब्राह्मण को ही दंड दिया जाता है। हाँ, उसमें सभी जातियों को लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। देखा गायत्री, ये सबसे बड़े ब्राह्मण होते हैं, दंडी स्वामी सबसे बड़े ब्राह्मण होते हैं, कोई भी जाति इसमें प्रवेश कर सकती है। देश के कोने कोने से यहाँ आकर के दंडी स्वामी बनते हैं और बनना चाहें वो यहाँ पर आकर के बाबा के भक्त बन सकते हैं और दंडी स्वामी की यही महत्व है, यही पहचान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ ये तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए और वो तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। सुदूर सुहाग की निशानी होता है सिंदूर, यही वजह के धार्मिक स्थलों पर सिंदूर के हर रंग दिखते हैं। इलाहाबाद कुंभ में भी सिंदूर के सभी रंग दिख रहे हैं। सिंदूर के लगे इस ढेर को देखिए, किस तरह लाल पीले और कत्थई रंग के थोक लगे हैं। सुहाग की निशानी कहे जाने वाले इस सिंदूर को हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर सुहागन औरत सिंदूर को लगाती है। कुंभ की बात की जाए तो यहाँ भी सिंदूर को खरीदने के लिए लोगों का तांता लग रहा है। सिंदूर की यहाँ भी धार्मिक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि माँ गंगा को लाल रंग खूब भाता है, इसलिए भक्त उनका लाल रंग से सिंगार करते हैं। यमुना को कत्थई रंग से सजाया जाता है, जबकि सरस्वती जी का पीले रंग से श्रृंगार किया जाता है। काली माता यानी काली वाड़ी जो है वहाँ चलना है, और जिस दिन हमारे सुजुकी है वहाँ मेरे लाल रंग का सिंदूर की है, और यहाँ पर हंसी की माता जो भगवान कृष्ण की पुत्री है उनको जो हनुमान जी वाला सिंदूर वो सिंदूर चलता है। हमारे यहाँ बड़ी खुशी करते हैं, एक सकारात्मक रूप से एक एनर्जी लेवल माना जाता है, इसके आने से इसको लगाने से वाइब्रेशन बेहतर होता है और ये हमारे ईश्वर की पहचान का प्रतीक माना जाता है। सुहाग की निशानी सिंदूर भक्त खूब खरीद रहे हैं। खासकर महिलाओं की बात की जाए तो उनका रुझान सिंदूर की तरफ अधिक है। महिलाएं सिंदूर चढ़ाकर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की पूजा करती हैं। फिलहाल भक्त माँ को हर तरह का चढ़ावा चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन सिंदूर की मांग सबसे अधिक है। शोएब रिज़वी, इलाहाबाद समाचार प्लस।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई, ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी